नमस्कार एंड वेलकम टू मेडिटॉक। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आज के लिए भूमिका बैनर्जी, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सी आर चौधरी, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस एज वेल एज एस्थमा एलर्जी विद एसएन मेडिकल कॉलेज एंड कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बहुत से ऐसे बीमारियां होते हैं, राइट? एस्थमा हमने सुना है, ट्यूबरकुलोसिस हमने सुना है जिसे टीबी कहते हैं, तो इस बारे में आप थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि क्यों होती है ये बीमारियां। जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज कॉमनली, जैसे आपने नाम लिखा कि बताया कि अस्थमा है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है। जैसे स्किन की एलर्जी जी, आई फ्लू, जैसे आई की एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो दिस इज ए टाइप ऑफ एलर्जी ऑफ द लंग्स। ये एक फेफड़ों की एलर्जी का रोग है जिसमें सांस नलियों में सोजन हो जाती है, सांस नलियों में कफ जम जाता है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस में सिटी जैसी आवाज आती है, और अक्सर मरीज को एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी रात में ज्यादा अस्थमा का दौरा पड़ जाता है जी। तो अगर ऐसे किसी को लक्षण हो, और स्पेशली अस्थमा के 80% पेशेंट अस्थमा के लक्षण बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं, तो अगर छोटे बच्चों में बार बार खांसी आती हो, सांस में तकलीफ हो, सांस में सिटी जैसी आवाज हो, चेस्ट में जकड़न हो, बार बार जुकाम रहता हो, जुकाम लंबा रहता हो, तो समझना चाहिए कि इसको अस्थमा हो सकता है जी। सो सर, डॉक्टर, व्हाट आर द सिम्टम्स बेसिकली? बेसिकली सिम्टम्स मैंने बताया कि पेशेंट को बार बार खांसी आएगी जी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और पर्टिकुलरली बच्चों में नॉक्चर्नल अवेकनिंग होगी, रात्रिकालीन बच्चे को सांस में तकलीफ होगी, बच्चा जग जाएगा, और उसको खांसी में जब अपन देखेंगे बच्चे के सांस में दिक्कत होगी, सांस में सूं सूं आवाज आएगी जी। ऐसे अगर लक्षण बच्चे में बार बार होते हो तो अपने को समझना चाहिए कि बच्चे को अस्थमा हो सकता है। ओके। और अपने को इससे बेसिकली ये एकदम से नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे ये डेवलप नहीं होती, ये जेनेटिक डिजीज है बच्चों में, और बाल्यावस्था में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण बच्चे में बार बार मिलते हैं तो अपने को समझना चाहिए कि इसको अस्थमा है। ओके, तो बट शुरुआत कैसे होती है डॉक्टर? क्वेश्चन वही है कि हाउ डज इट स्टार्ट? स्टार्ट मैंने कहा ना, ये जेनेटिक डिजीज है, और कैसे भी कोई अस्थमा के जैसे कारक है जी, अस्थमा की जो प्रवृत्ति, अस्थमा के जैसे ही ऐसा पेशेंट, उसमें जेनेटिक टेंडेंसी तो होती है जी, बाय बर्थ उसको जेनेटिक टेंडेंसी रहती है कि अस्थमा के कारक, जैसे मैंने बताया, धूल है, डस्ट है, धुआं है, पोल्यूशन है, अगर ऐसे संपर्क में बार बार मरीज आता है और जिसको अस्थमा की जेनेटिक प्रवृत्ति है, तो उसमें ऐसी खांसी के लक्षण, सांस के लक्षण जो भी मैंने बताया, ये होंगे। सो डॉक्टर, डायग्नोसिस कैसे होता है अस्थमा का? डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, अवेयरनेस है। जैसे अपन बुखार को थर्मामीटर से देखते हैं जी, ब्लड प्रेशर को बीपी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, उसी प्रकार अस्थमा को स्पायरोमीटर नामक एक टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जी, इसमें इसको हम स्पायरोमीट्री बोलते हैं, एक बेड साइड टेस्ट होता है जिसको पीक फ्लोमीटर बोलते हैं। ओके। उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें पेशेंट को कहेंगे इनहेल करें और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करें जी, एक बार उसको बेसलाइन लेंगे, फिर उसको मेडिसिन देंगे, और 15 मिनट बाद में उसका दोबारा टेस्ट करेंगे। Okay. तो उसमें 200 ml से ज्यादा अगर लंग की कैपेसिटी ज्यादा आती है, लंग के जो वॉल्यूम कैपेसिटी है, तो हम इसको रिवर्सिबल डिजीज बोलते हैं। अस्थमा इज ए रिवर्सिबल डिजीज। सर, एक बार दर्शकों को बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल? रिवर्सिबल मैंने कहा कि अस्थमा की जो बेसलाइन लंग फंक्शन देखा, लंग फंक्शन की कैपेसिटी बेसलाइन सपोज करो 200 ml है जी, इस पेशेंट को अपन ने शॉर्ट कोर्स बीटा एगोनिस्ट एक दवाई होती है जिसको हम इनहेलर रूप में देते हैं जी, उसके बाद में 15 मिनट बाद में हम रिपीट टेस्ट करते हैं, अगर उस रिपीट टेस्ट में उसकी 200 ml से ज्यादा अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है जी, सांस नलियों का जो डायमीटर है वो सुधार होता है जी, तो हम उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और अस्थमा इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल डिजीज। ओके, दैट मींस उस मरीज को अस्थमा है। बिल्कुल, क्योंकि सांस की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सांस की तकलीफ होती है, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं होती है, ओनली अस्थमा ही है जो रिवर्सिबल है। ओके, सो डॉक्टर, ये तो बात हो गई डायग्नोसिस की, तो एक बार जब हम डायग्नोस करते हैं तो उसके बाद व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर अस्थमा? बिल्कुल, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट, देयर आर डिफरेंट वेव्स, जो लेटेस्ट मॉडर्न मेडिसिन की मैं बात करूंगा, दैट इज इनहेलेशन थेरेपी, जिसको लेटेस्ट थेरेपी, मॉडर्न थेरेपी और टारगेट थेरेपी बोलते हैं। जैसे अपने आई फ्लू हो गया तो मैंने कहा आई फ्लू के अंदर आई ड्रॉप डालें जी, ऐसे ही अगर स्किन की कोई एलर्जी है तो अपन लोकल उसका ऑइंटमेंट लेंगे जी। उसी प्रकार अस्थमा में एलर्जी के लक्षण सांस नलियों में होते हैं, तो पेशेंट को जनरली हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इनहेलेशन के द्वारा लंग्स के अंदर जाके और टारगेट पे असर करे, तो ऐसी मेडिसिन जल्दी असर करती है, इफेक्टिव असर करती है, और इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। राइट,
तो डॉक्टर इनहेलर्स की आप बात कर रहे हैं, तो इनहेलर्स ही क्या इस एक माध्यम है इस बीमारी से लड़ने का? बिल्कुल, इनहेलेशन इज द सेफेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड जी। अदरवाइज इनहेलेशन के अलावा जो ओरल मेडिकेशन है, कफ सिरप है, टेबलेट्स है, बट दीज आर नॉट इफेक्टिव बिकॉज ये गोलियां अपन पेट में लेंगे, ब्लड में जाएगी और पूरे शरीर में जाके लंग्स में एक पोर्शन जाएगा, और इनहेलेशन वाली मेडिसिन डायरेक्ट टारगेट पे जाएगी। और नाउ दिस इज अ एरा ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जी, तो हमेशा टारगेटेड थेरेपी ज्यादा काम करती है, इफेक्टिव काम करती है, साइड इफेक्ट कम होते हैं। राइट, मैं दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट रेस्पिरेटरी डिजीजेस मौजूद हैं, मिस्टर सीआर चौधरी। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9991157820 पर, जो कि स्क्रीन के नीचे ये नंबर गिवन है, और कोई भी आपके सवाल हो एस्थमा ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड तो प्लीज आप हमें कॉल कीजिए। सो डॉक्टर, हम बात कर रहे थे, डायग्नोसिस हमने किया, ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी हमने समझा, लेकिन कितना लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट? देखो, अस्थमा एक मैंने बताया कि जेनेटिक टेंडेंसी होती है, वो हमेशा रहेगी, तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में एक तो अपने को पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैनेज हम उसको कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते, कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। अस्थमा का पेशेंट कैन डू एवरीथिंग, ओके, बट ही हैज टू लिव विद इट, ही हैज टू, यस करेक्ट, ही हैज टू लिव विद इट। तो अगर किसी को बचपन से हुआ है तो वो फिर युवा होगा, वृद्धावस्था तक आप कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अस्थमा के पेशेंट को इस बीमारी के साथ उसको जीना पड़ेगा। जैसे हाइपरटेंशन, जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को तो चलो ये थोड़ी लेट स्टेज में होता है, डायबिटीज है जी, जुवेनाइल डायबिटीज हम बोलते हैं, जो जन्म से ही बच्चे को डायबिटीज होती है, जो जेनेटिक है, जेनेटिक है। जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड को जन्म से ही डायबिटीज है, करेक्ट करेक्ट। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है मोहम्मद अकरम है, उनको डायबिटीज है। तो ऐसे कई लोग हैं जो जन्म से ही डायबिटीज है, लेकिन स्टिल दे कैन डू एवरीथिंग, करेक्ट। तो सिमिलरली अस्थमा वाले पेशेंट भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उसको मैनेज किया जाए, ऑप्टिमम मैनेज करें, एक हम मेडिकल टर्म बोलते हैं ऑप्टिमम मैनेजमेंट। अस्थमा की जो डिग्री ऑफ सीवियरिटी है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करके मेडिसिन लेते हैं जी। डॉक्टर, कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। जय हिंद, जय हिंद चौधरी साहब। जय हिंद सर। सर मैं देवदान चारण रंगकर्मी बोल रहा हूँ, वैसे मैं भी मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सर सर सर, गांधी हॉस्पिटल में मेरी 33 साल की सर्विस हो गई है सर, फिर भी आपके इस प्रोग्रामों को देख करके जो जानकारी मिलती है सर, क्या है कि हम लोग वहाँ काम में रहते हैं, डॉक्टर साहब से समय नहीं मिल पाता, बात नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो यहाँ मैं दो सवाल करना चाहूंगा आप। बिल्कुल वेलकम सर। एक तो अस्थमा का जो है, हाँ सर, ये अस्थमा की उम्र जो होती है कि किस उम्र से अस्थमा हो सकता है आवी? बिल्कुल। कोई क्या बचपन में भी हो सकता है या जवानी या बुढ़ापा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल बताएंगे। और एक श्वास के बारे में मेरा जानना था। हाँ हाँ। पूछना था। हाँ। कि जो ये योग है अपने, आजकल योग का बड़ा महत्व बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो प्राणायाम करने से, हाँ सर, अस्थमा और श्वास में, हाँ हाँ, क्या कुछ फायदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप जरूर बताए, और अगर इसके लिए अगर कुछ इसके लक्षण वगैरह बता करके अगर इस तरह का कोई मरीज हो, हाँ सर, तो क्या उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या इस योग का भी सहारा लेना चाहिए? बिल्कुल। एक मैंने सुना है डॉक्टर साहब, हाँ, कि हमारे शरीर के अंदर ये जो बीमारी के लड़ने के लिए कीटाणु भगवान ने पैदा किए हैं, हाँ, तो क्या हमें कोई भी बीमारी में जो होती है हमें उसके लड़ने के लिए अंदर हमारे शरीर में मौजूद है वो, ईश्वर ने पैदा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या उनका इंतजार भी हमें करना चाहिए थोड़ा, कि क्या वो लड़के उस बीमारी को हरा देंगे या तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल मैं आपके तीनों क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अस्थमा कब शुरू होता है, जैसे मैं अभी बता ही रहा था, अस्थमा एक जेनेटिक डिजीज है जो बाल्यावस्था में, 80% अस्थमा के लक्षण बाल्यावस्था में आ जाते हैं, लेकिन कई बार मरीज उसको इग्नोर करते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि अस्थमा का,
योग का क्या रोल है? देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज अ वेरी यूजफुल फॉर एवरी डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। राइट, जो अस्थमा भी एक बीमारी है उसमें प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है। लेकिन मैंने एक अभी टर्म बोला था, अस्थमा को सबसे पहले अपने को डायग्नोसिस कराना है, अस्थमा की तीव्रता देखनी है, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट को ब्लड प्रेशर को देखते हैं उसी प्रकार उसको अस्थमा को ऑप्टिमम कंट्रोल करना है। उसके बाद में अपने को योगा या प्राणायाम व्हाटएवर जो भी एक्सरसाइज, जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट, स्विमिंग एक्सरसाइज प्राणायाम ये सारे रोल रहते हैं। लेकिन ये नहीं कि अस्थमा के अटैक में ये सारे काम करें जी। अस्थमा के अटैक को आप कंट्रोल करें, अस्थमा की जो सांस नलियों में स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करें, नॉर्मल पे लाएं, देन एक्सरसाइज। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया जी। तो उसमें अपन पहले प्लास्टर करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, बोन को जुड़ने देंगे, फिर अपन फिजियोथेरेपी से उसके मोमेंट लाएंगे। उसी प्रकार अस्थमा को ऑप्टिमम कंट्रोल करने के बाद ये सारे प्राणायाम एक्सरसाइज करते हुए, ताकि अस्थमा को ऑप्टिमम कंट्रोल करके सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। थर्ड चीज जो आपने कहा कि डिफेंस मैकेनिज्म का, आपने बोला था कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कर वेट करना चाहिए या अपने को तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो इन्फेक्टिव डिजीज है, उसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसका जल्दी से निदान और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, उसके बाद में अपने को सारे अदर मेथड्स यूज लेने चाहिए। Right, so early diagnosis is very important. Thank you so much for answering that question. I think the caller has really asked very, very important questions, which is very, very necessary. Smart question. Yes, very smart question. So, doctor, hum baat kar rahe the early diagnosis ka plus stages. Yes. Abhi aapne kaha ki there are stages. Hmm. Yes, pranayam kariye, but sahi vakt ka hona bahut zaruri hai. To ye stages aur is sab ki jankari ek patient jisko nahi pata. वो किस तरह से इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है या उसको ये जानकारी कैसे हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अवेयरनेस इतनी सिंपल है, जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज हमारे पास आके सीधा कहता है डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर लीजिए जी। शुगर का पेशेंट हमारे पास ब्लड शुगर की रिपोर्ट लेके आता है, सर मेरी ये रिपोर्ट चल रही है जी, लुक एट द अवेयरनेस। सिमिलरली अस्थमा के पेशेंट में ये अवेयरनेस अभी बाकी है, उनको भी अपने अस्थमा की तीव्रता को देखना चाहिए। वो स्पायरोमीटर नामक टेस्ट से उसकी तीव्रता पता लगता है कि उसका अस्थमा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ओके, उसको अपने को स्टेज वाइज करके, उसको ऑप्टिमाइज करके उसके लंग फंक्शन हम नियर नॉर्मल लाते हैं। नियर नॉर्मल मतलब पेशेंट के। और इसमें कितना वक्त लग जाता है डॉक्टर? इसमें थ्री मंथ में अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको हम स्पायरोमेट्री, उसको लंग फंक्शन को नॉर्मल ला सकते हैं, अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले तो। ओके, बट ट्रीटमेंट हैज टू बी रेगुलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उसमें ब्रेक होता है तो अक्सर अस्थमा वाले पेशेंट क्या गलती करते हैं, मैं अभी बताऊंगा। जैसे मेरे पास दो तीन दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको डायबिटीज भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है, उसको अस्थमा भी है। ओके, तो मेरे को बोलता है कि साहब शुगर की गोली मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, डायबिटीज की गोली कभी नहीं छोड़ता हूँ, हाइपरटेंशन की गोली कभी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन अस्थमा की गोली तो जब मैं अस्थमा का अटैक होता तभी लेता हूँ। ओके, लुक एट द डिफरेंस जी। ये तो एक ही होगा कि एक माँ तीन बच्चों को, एक को भूखा रखे, दो को खाना खिलाए, मतलब लंग्स की आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं जी, डायबिटीज और हार्ट की ले रहे हैं जी। जी, देखिए अवेयरनेस की कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। उनको ये लगता है कि ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने जब अटैक आया तभी हमें मेडिसिन लेना है, तो बेसिकली एक गलत धारणा है। बिल्कुल, जैसे अस्थमा को ट्रीट करने के लिए एक रेगुलर मेडिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट डॉक्टर, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सिमिलरली हाइपरटेंशन के अंदर लोग कोलेस्ट्रॉल की या खून पतला करने की गोली जिसको हम बोलते हैं जी, वो रेगुलर लेता है जी, वो वेट नहीं करता है कि हार्ट अटैक और फिर मैं मेडिसिन लूं। राइट, इसी प्रकार अस्थमा में भी मेडिसिन पहले लेके अस्थमा के अटैक को रोकना है, यानी कि अस्थमा अटैक और फिर मेडिसिन ले जी, दैट इज रॉन्ग। अक्सर पेशेंट ऐसा ही करते हैं कि साहब सांस की तकलीफ होती है, मैं इनहेलर ले लेता हूं। That is not right thing. हाँ, अटैक हो गया लेना पड़ी है, लेकिन that is not right approach. That is not the right. नहीं मत दो. Preventive therapy is very important. जैसे मैंने कहा, there are two therapy. One is controller, one is preventer. Okay. Controller तो जैसे अस्थमा का अटैक हो गया तो हम short acting methadone, जो salbutamol का inhaler होता है, जी। लेकिन preventer long-term जो steroid के inhaler होते हैं, उनको हम long-term देते हैं कि अस्थमा का अटैक हो ही नहीं। अस्थमा का अटैक नहीं होगा तो ज़्यादा। तो दोनों ही जो स्टेजेस है, दोनों ही ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं, वो दर्शकों को बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, हम बात ट्यूबरकुलोसिस की भी करेंगे, अस्थमा पे भी हम बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस की भी हम बात करेंगे, टीबी के ऊपर भी लोगों की जो धारणाएं हैं, जो मुझे लगता है कि काफी हद तक उसमें भी काफी अवेयरनेस की जरूरत है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? टीबी एक संक्रामक डिजीज है, एक इन्फेक्टिव बीमारी है। टीबी इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। जब ह्यूमन बीइंग नहीं था तब भी टीबी थी। टीबी मिस्र की ममीज में पोर्ट्स स्पाइन में मिली थी, और अगर अपन हिस्टोरिकल एरा में जाए तो चंद्रमा पे दाग
ये भी ट्यूबरक्लोसिस के अपन हिस्टोरिकल जाते हैं, इट इज वेरी वेल मेंशन इन यजुर्वेदा कि द ग्रेट किंग ऑफ सोमा वाज परफॉर्मिंग द यज्ञ टू कम्बैट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बहुत पुरानी बीमारी है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है और ये कम्युनिकेबल रहती है, तो सोसाइटी के अंदर इवन घर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक तो पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट हैज टू बी टेकन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 to 8 months, 6 to 9 months, एक तो रेगुलर ट्रीटमेंट उसमें लेना चाहिए। दूसरा, उसको इनिशियली 2 मंथ तक मुंह पे मास्क लगा के रखना चाहिए, क्योंकि टीबी खांसने से, छींकने से, बात करने से, बोलने से, हंसने से, इससे फैलती है जी। तो एक तो घर के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, एक कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो, और टीबी का ट्रांसमिशन रोकना बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वाइटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जी। अदरवाइज टीबी वाज देयर, टीबी इज देयर, टीबी विल देयर, तो इफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अवेयर इन दिस। डॉक्टर, मेरा सवाल ये है, जो बीमारी इतनी पुरानी है तो डेफिनेटली उसका एक इलाज हमारे पास जरूर मौजूद होना चाहिए जो कि उसको कम्प्लीटली क्योर करे। ट्यूबरक्लोसिस का बहुत इफेक्टिव इलाज है, 99% ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं जी। दिस नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर रिगार्डिंग मेडिकेशन, कम्युनिटी स्प्रेड जी जी। तो मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सियाद चौधरी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एसएन मेडिकल कॉलेज में, एंड ही स्पेशलिस्ट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। हम आज बात कर रहे हैं एस्थमा की, ट्यूबरकुलोसिस की, जिसको टीबी कहा जाता है, और भी कुछ बीमारियों की के बारे में हम आज कोशिश करेंगे कि हम आप तक उसके बारे में हम जानकारी पहुंचाए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9991578620 पर। सो डॉक्टर, वी विल कंटिन्यू टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल। वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ, आई वुड से वी कांट गिव दैट लिवरेज, कि हम अगर एक भी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हमें लॉन्ग टर्म के लिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कुछ इस तरह की डिजीजेस होती है जो कि अगर सही टाइम पे, एक तो डायग्नोसिस होना जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन होना जरूरी है, और अगर हम सही टाइम पे मेडिकेशंस लेते रहें तो इन सब बीमारियों के साथ हम बहुत अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। राइट डॉक्टर, सो वी वर टॉकिंग अबाउट टीबी। सो डॉक्टर, मैं ये कहना चाहूंगी, हाउ डू वी डायग्नोस, व्हाट इज द सिम्टम्स, व्हाट इज द डायग्नोस फॉर टीबी? टीबी का डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है। अगर किसी मरीज को 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी आ रही है जी, खांसी में बलगम, हल्का बुखार जिसको हम लो ग्रेड फीवर बोलते हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर इवनिंग में पेशेंट कहता है शाम को बुखार आता है, खांसी आती है, खांसी में बलगम आता है, तो उसको स्पूटम टेस्ट करना चाहिए, स्पूटम फॉर माइक्रोस्कोपी। इसका सिंपल टेस्ट होता है, गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी। आप स्पूटम का टेस्ट करा दीजिए, अगर उसमें डायग्नोसिस मिल जाता है ट्रीटमेंट आ जाता है। समटाइम्स हमको अगर स्पूटम में नहीं मिलता है तो हमको एक्सरे कराना पड़ता है जी। एक्सरे और स्पूटम के कोऑर्डिनेशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम पॉजिटिव है या स्पूटम नेगेटिव है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वन इज स्पूटम पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ओके, स्पूटम पॉजिटिव इज वेरी वेरी डेंजरियस, स्पूटम पॉजिटिव कैन ट्रांसमिट इन द कम्युनिटी, सो इट इज वेरी चैलेंजिंग, जिसका मैंने अभी बताया कि उसको प्रोफाइलेक्सिस रखना चाहिए, कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो जी। राइट तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बट ये होता क्यों है डॉक्टर, व्हाट इज द रीजन? ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया एक पैरासाइट से होता है, उसी प्रकार ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया एयरबोर्न हवा से इन्फेक्शन आता है और किसी को एयर के थ्रू इन्हेलेशन हुआ, लंग्स में गया, लीजन हुआ। ओके, तो बेसिकली जब वो बैक्टीरिया लंग्स में एंटर करता है तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो हमारे शरीर में होता ही है, तो इज देयर अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो इसको बोलते हैं हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है और ये इनहेलेशन के द्वारा ड्रॉपलेट के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन करके टारगेट फोकस बनाता है, जिसको हम गोन फोकस बोलते हैं, वहीं से उसका स्प्रेड चालू होता है। समटाइम्स बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो वहीं हील हो जाता है और नेचुरल इम्यूनिटी से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं 10%। 10% आउट ऑफ 100% रेस्ट 75% पेशेंट्स को इन्फेक्शन उसी दौरान हो सकता है, थोड़े टाइम बाद में हो सकता है। ओके डॉक्टर, इज दिस डिजीज हेरिडिटरी? नो, इट इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज एन इन्फेक्टिव डिजीज, अनलाइक अस्थमा। हम अस्थमा की बात कर रहे थे कि और हमने बात की कि अस्थमा ज्यादातर हेरिडिटरी होता है, बच्चों में भी शुरुआत में अस्थमा ऑलमोस्ट 100% जेनेटिक होता है। बट डॉक्टर, यहाँ मेरा सवाल होगा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जेनेटिक नहीं है, क्या एस्थमा उन लोगों को भी हो सकता है जो कि मतलब जीन्स के थ्रू पास नहीं हो रही है वो बीमारी? तो क्या ऐसे लोगों को भी एस्थमा में कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रवृत्ति होती ही होती है?
उसको कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रवृत्ति होती है, वो एक्सपोज उसका मैनिफेस्टेशन अलग उम्र में होता है। जैसे मैंने कहा 80% पेशेंट बाल्यावस्था में ही अस्थमा के लक्षण दिख जाते हैं उनमें जी, रेस्ट 20% पेशेंट मिडल एज में, एल्डर एज में, समटाइम्स एल्डरली पेशेंट अस्थमेटिक हमारे पास आता है right. कि इसको सांस की तकलीफ कभी थी नहीं, अभी 60 ईयर का हो रहा है अभी सांस की तकलीफ हो रही है। समटाइम्स मिडल एज के लोग आते हैं 40 ईयर 35 ईयर। सो हाउ कम द डायग्नोसिस इज सो लेट डॉक्टर, माय क्वेश्चन इज जब इफ इट इज जेनेटिक। मैंने बताया कि जेनेटिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें लक्षण तभी आएंगे जब अस्थमा के कारक से वो लगातार कॉन्टेक्ट में रहेगा। जैसे किसी को धूल से है, किसी को मिट्टी से है, किसी को हवा से है। देर आर मेनी रीजन फॉर अस्थमा प्रेसिपिटेशन। करेक्ट। अगर बार बार पेशेंट उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा तो अस्थमा के लक्षण होंगे। ये डिपेंड करेगा कि उसको कौन सी उम्र में होता है एलर्जी है। क्या कोई एलर्जी टेस्ट होता है डॉक्टर? बिल्कुल, एलर्जी टेस्ट होता है, उससे पता लग सकता है कि इसको किससे एलर्जी, और फिर उसके उसके ऊपर हम फिर बिल्कुल ट्रीटमेंट हम उसके आधार पर कर सकते हैं। राइट डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर, हम बात कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस की, मैं वापस से ट्यूबरकुलोसिस पर आऊंगी। यहाँ पे हमने बात की है बैक्टीरिया की, तो इस बैक्टीरिया को क्या हम जड़ से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूबरकुलोसिस 100% क्योरेबल डिजीज, 100% क्योर होता है। 99% to 100% टीबी के बैसिलाई को हम किल कर सकते हैं, पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। जैसे कि अस्थमा में मैंने बोला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। टीबी को हम क्योर कर सकते हैं बशर्ते पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो। सो इसमें क्या स्टेजेस होते हैं डॉक्टर, हाउ मेनी स्टेजेस आते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर? एज सच कोई स्टेज नहीं होती है, पर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास हेल्थ सिस्टम में मतलब डॉक्टर के पास कब आया है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास पेशेंट इनिशियली आ जाता है जी, तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल है। राइट डॉक्टर, मैं यहाँ पे दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम डॉक्टर से ट्यूबरकुलोसिस अस्थमा के बारे में बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं दर्शकों को बताऊंगी कि आज हमारे साथ डॉक्टर सिया चौधरी मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एसएन मेडिकल कॉलेज एंड कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल में, एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इसीलिए हम आज काफी सारे बीमारियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस की। आपकी अगर इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें 9911578620 पर कॉल कर सकते हैं। सो डॉक्टर, ब्रेक में जाने के पहले हम बात कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस की। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आपको जुकाम बार बार होता है? जुकाम मैंने अभी बता रहा हूँ आपको कि 80% पेशेंट अस्थमा के पेशेंट में जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे नाक में पानी, नाक में छींके, अगर किसी को जुकाम बार बार रहता है और जुकाम के साथ खांसी रहती है, सांस में तकलीफ होती है, छाती में जकड़न होती है, तो जरूर इसको चेक कराना चाहिए। बिल्कुल, आप कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल में आ जाइए। हाँ जी, हाँ सर, ओके थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर आप देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी लाइक अ सिचुएशन हियर, वेयर इज लोगों को जुखाम होता है, वो सोचते हैं ठीक है जुखाम है, हम लोग जुखाम का ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो चीज कंटिन्यूस हो रही उसके है पीछे कारण क्या है, कारण क्या है, उस पर नहीं जाते, जबकि इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है। देयर इज अ हॉस्पिटल, कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार की क्या भूमिका है इस पूरे इसमें? आई थिंक फ्री मेडिसिन भी अवेलेबल है और ट्रीटमेंट भी। बिल्कुल, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट के बारे में सरकार की इतनी बड़ी सुविधा है कि एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो आरएनटीसीपी प्रोग्राम चलता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट में निःशुल्क दवाई मिलती है। राइट,
आठ महीने की, नौ महीने की दवाई और इवन एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस की 2 ईयर की मेडिसिन जो कि 2-3 लाख रुपए लगते हैं जी, जो वो मेडिसिन निःशुल्क मिल रही है। टीबी का डायग्नोसिस, टीबी का निदान, टीबी का ट्रीटमेंट, टीबी का एक्सरे, टीबी की मेडिसिन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री इन द गवर्नमेंट सेटअप। गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पेशेंट राइट, एंड ओनली नीड अवेयरनेस की अपन उस सुविधा का कैसे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके जी, और उस डिजीज को जी उसका रोकथाम कर सके। जैसा कि आपने कहा कि ब्रेक में जाने के पहले हमने बात की थी कि ट्यूबरक्लोसिस इज अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल डिजीज राइट, बिकॉज काफी सालों से है लेकिन अभी तक हम उस पर काबू नहीं पा सके। इसका कारण यह है कि अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंसी। हम पेशेंट को इतना समझाते हैं कि एक पेशेंट घर के अंदर अगर हैंडकरचीफ रखेगा तो दूसरे पेशेंट डेवलप नहीं होंगे। दैट इज दिस ट्रांसमिशन कट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज रोल ऑफ कम्युनिटी। इसमें कम्युनिटी का रोल बहुत ज्यादा रहता है right. क्योंकि हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे लेकिन उस पेशेंट दूसरे पेशेंट को तैयार करेगा तो ये चेन बढ़ती रहेगी right. तो हम चाहते हैं कि एक पेशेंट, मैं तो उल्टा पेशेंट को कहता हूँ कि मैं तेरा ट्रीटमेंट करूंगा लेकिन तेरे घर वालों का नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से हो गया तो यू शुड टेक वेरी वेरी गुड प्रिकॉशंस, प्रिकॉशनरी मेजर्स, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस में होना जरूरी है। हम उसको बता दें या तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई और इवन कम्युनिटी में सब तुम्हारे भाई बहन है, उन सबको तुम बचा सकते हो अगर तुम हैंडकरचीफ रखोगे तो। बहुत ही सिंपल थिंग राइट। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ी और बात करेंगे डॉक्टर। जैसा कि आपने कहा इसकी निःशुल्क मेडिसिन और ट्रीटमेंट मौजूद है। All that a patient needs to do is to go and get that test, जो कि normally लोग नहीं करवाते। तो एक बार आप दर्शकों को ये बताइए कि कौन से initial stages है जब उनको doctor के पास जाना चाहिए। देखो tuberculosis मैंने अभी पहले भी बताया था, ये communicable disease है और इसका early diagnosis and treatment is very important। Right। Patient को अगर 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, खांसी में बलगम, खांसी में खून, इवनिंग में बुखार, उसको तुरंत अपने nearest health center पे जाके sputum test कराएं। स्पुटम टेस्ट में अगर कई बार डायग्नोसिस नहीं होगा तो उसका एक्सरे होगा और तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू कर दें। क्योंकि होता क्या है, मैं भी आपको बहुत बड़ी चीज बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कई बार हमारे पास बहुत लेट आता है तो उसका ऑलमोस्ट आधा लंग, हाफ लंग डैमेज हो जाता है। अब उस पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे तो पेशेंट की ट्यूबरक्लोसिस हम ठीक कर देंगे जी। लेकिन वो हाफ लंग हमेशा उसको सिम्टम्स करेगा तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग सिम्टोमेटिक रहेगा। राइट डॉक्टर, वी विल टेक दिस कॉलर। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे बच्चों की तकलीफ है। बिल्कुल, आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? आप कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल आ जाइए, आपका अस्थमा का निःशुल्क उपचार होगा, चिंता नहीं करें आप। बिल्कुल, थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आज हमें बोल रहे हैं कि देर इज अ फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो लंग की कोई और डिजीज हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हॉस्पिटल जाना है और जो टेस्ट उस बीमारी से रिलेटेड है वो करवाना है और इस चीज को रूल आउट करना है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है या आपको एस्थमेटिक एलर्जीज नहीं है। राइट डॉक्टर। डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूंगी कि टीबी जो है क्या ये जानलेवा बीमारी है? बिल्कुल, टीबी जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर टीबी का अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ जी। टीबी कैन इन्वॉल्व एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये फैलती है एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्यूबरक्लोसिस कैन बी इफेक्ट द आईज, कैन बी इफेक्ट द स्किन, कैन बी इफेक्ट द बोन, कैन बी इफेक्ट द ब्लड मैरो, कैन बी इफेक्ट द इंटेस्टाइन, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी एक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, लोग देखते हैं ये तो लंग्स की होती है जी जी। इनफर्टिलिटी, हिंदुस्तान में इनफर्टिलिटी के केसेस ड्यू टू 30% ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। पॉट्स स्पाइन, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो जाती है, ब्रेन की टीबी हो जाती है। ब्रेन की टीबी, हार्ट की टीबी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड वेरी डेंजरियस। तो बेसिकली जब ये बैक्टीरिया उस एरिया को इफेक्ट करता है तब उस जगह की टीबी कहलाती है। बिल्कुल राइट right? इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये बैक्टीरिया जैसे ही एंटर होता है, जो भी सिम्टम्स ये क्रिएट करता है उस बेसिस में जो स्पूटम स्टेप जो हमने इस टेस्ट जो लंग्स का जैसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस होती है लंग्स की, इसलिए हम स्पूटम कराते हैं जी। लेकिन अगर लंग्स के अलावा किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व करती है तो उससे रिलेटेड हम टेस्ट कराते हैं जी। जैसे बोन की होगी तो बोन का एक्सरे करेंगे, बोन की एमआरआई करेंगे, बोन की सीटी स्कैन करेंगे जी। इंटेस्टाइन की होगी तो सोनोग्राफी करेंगे, ब्रेन की होगी तो ब्रेन की एमआरआई करेंगे,
या रीढ़ की हड्डी में से स्पाइनल में से फ्लूड निकालेंगे। How different it is from a cancer? Because कहीं ना कहीं cancer, जिस तरह से cancer फैलता है, cancer is a malignant disease, that is different disease, this is infective disease, this is an infective, total are both are different. So how we can keep ourselves healthy? Question आता है, immunity को हम कैसे strong करें ताकि जो self defense mechanism है, immunity is a basic self defense that's provided by nature. Right. So अपना रोल क्या रहता है कि अपनी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज होनी चाहिए, एंड इन सब के बियॉन्ड जो अपने कंट्रोल में नहीं है, व्हेनेवर वी गेट एनी इन्फेक्शन एनी डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बीमारी, वेदर इट इज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, एनी फॉर्म ऑफ डिजीज, जितना जल्दी अपन उसका डायग्नोसिस करेंगे उतना ही उस डिजीज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। राइट और जितना डिले करेंगे वो उस चीज को सीवियर कर देगी, उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। जैसे टीबी एक जानलेवा बीमारी है और उससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है, तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की, राइट डॉक्टर? और कौन सी ऐसी बीमारी है अदर देन एस्थमा एंड टीबी जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें आज जो कॉमन डिजीज है, अस्थमा है, सीओपीडी है, निमोनिया है, लंग कैंसर है, और अभी लेटेस्ट जो अपन डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं, फ्लू एक कॉमन डिजीज, तो स्वाइन फ्लू जैसा लोग फियर है जो पब्लिक में, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पेशली अस्थमा वाले बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चे या एल्डरली लोग जो 65 से ऊपर हैं, उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और चूंकि अस्थमा, मैंने अभी बताया कि अस्थमा के कारक होते हैं, उसमें एक फ्लू भी एक कारक है। कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, कोई भी इन्फेक्शन अस्थमा की तीव्रता बढ़ाता है। तो एक तो अस्थमा वाले पेशेंट को रेगुलर मेडिकेशन लेना चाहिए ताकि उसको कोई फ्लू वगैरह नहीं हो, और बाय चांस फ्लू हो गया तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मल मेडिसिन लेके उसका ध्यान रखें। और फ्लू के कुछ लक्षण होते हैं जो थोड़े से अलार्मिंग होते हैं, जैसे उसको सांस में तकलीफ कुछ ज्यादा हो गई, फूलना ज्यादा हो गया, छाती में पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, खांसी में खून आ गया, तो ऐसे पेशेंट को जरूर टेस्ट कराना चाहिए, जो जो कि निशुल्क होता है हमारे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में, आराम से पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। राइट राइट डॉक्टर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लू के केसेस काफी बढ़ गए हैं, तो ऐसे मौसम में जब फ्लू इतना सिवियर हो रहा है, तो एस्थमेटिक पेशेंट्स हुए, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स हुए, उनको जैसा कि आपने ऑलरेडी बोला है कि सिम्टम्स का ध्यान रखें, अगर वो तीव्र हो तो आप जांच कराएं। जैसे कि हम बात करेंगे छोटे बच्चों को, वृद्धावस्था को, और जो लेडीज प्रेग्नेंट है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स? बिल्कुल, जैसे ये तीनों जो आपने कैटेगरी बताया है, इनको हम मेडिकल टर्म में हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं, मतलब हाई रिस्क ग्रुप है। राइट, प्रेग्नेंट लेडी, अर्ली इन्फेंट या अर्ली चाइल्ड एज, एंड एल्डरली, इन तीनों को प्रिकॉशन स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, और स्पेशली जो अस्थमा के पेशेंट है या ट्यूबरक्लोसिस के हैं, या एल्डरली जो डायबिटीज के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, क्रोनिक रीनल डिजीज है, एनी फॉर्म ऑफ जो डिजीज जिसको है, उस डिजीज को ऑप्टिमाइज करें, उसको कंट्रोल करें, ताकि अगर उसको लक्षण भी हो तो दिक्कत नहीं हो, पता लगा कि उसका शुगर कंट्रोल नहीं है और उधर से निमोनिया हो गया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स। राइट, सिमिलरली अस्थमा विद प्रेगनेंसी है और फीमेल अगर रेगुलर मेडिकेशन, रेगुलर इनहेलेशन नहीं ले रही है और अस्थमा का अटैक हो गया, साथ में फ्लू का भी हो गया, उधर प्रेगनेंसी है, तो देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दी थिंग्स साइमल्टेनियसली, सो वी हैव टू केयरफुल। सो क्या ये जो डिजीजेस है, इज इट ट्रांसफरेबल टू द फीटस आल्सो? नो, जो बच्चा है उसको भी ये, जैसे अस्थमा तो जेनेटिक डिजीज है, अस्थमा जेनेटिक डिजीज है जो फीटस को भी जा सकती है, ट्यूबरक्लोसिस जेनेटिक नहीं है, फीटस को नहीं जा सकती है। ओके, तो जो भी जेनेटिक है, हाँ, वो फीटस तक पहुंचती है, अदरवाइज दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज फीटस में नहीं जाएगी। सो जो ये जेनेटिक डिजीजेस को रोकने का कोई तरीका? बिल्कुल, जीन थेरेपी, नाउ दिस इज द एरा ऑफ मॉडर्न थेरेपी, तो जीन थेरेपी इज अ वेरी इन एडवांस फेज, आने वाले टाइम में हो सकता है कि जेनेटिक लेवल पे जीन थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रही है, तो पेशेंट का जेनेटिक लेवल पे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है आने वाले टाइम में तो उस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। राइट राइट डॉक्टर, सो डॉक्टर जैसा कि हमने कहा कि मौसमी बीमारियां काफी हो रही हैं, और ऐसे में जो पेशेंट्स हैं जिनको एस्थमा है, जिनको टीबी है, उनको खास तौर पे अपना ध्यान रखना है, मेडिकेशंस प्रॉपरली लेनी है। ऐसा नहीं है कि जब आपको एस्थमा का अटैक आ रहा हो तभी आप मेडिसिंस लें, आपको रेगुलर मेडिकेशंस रखना है, और आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। एस्थमा इज मैनेजेबल, बिल्कुल, अस्थमा मैनेजेबल, कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल, अबव नॉर्मल लाइफ। आई विल गिव यू एग्जांपल, देयर आर मेनी पेशेंट्स हु हैव अस्थमेटिक एंड हु हैव
win the gold medal in the Olympic. Right, in sports. In sports. There are 67 asthmatic in a Toronto Olympic. Gee. Out of them, 17 got gold medal. Right. So you can think asthmatic patient, P.T. Usha, Amitabh Bachchan. There are many famous personalities who suffering from asthma and they are at the height. So a patient of asthma can manage their life, super life. Near normal if, and super if life. If they follow the treatment. Treatment. Properly. Yes. Right? Right. Okay. So Dr. TB में भी जैसा कि आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन अगर होता है तो ही हम उस चीज को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं और वो कंप्लीटली क्योरेबल कंप्लीटली क्योरेबल द ओनली थिंग इज एस्थमा के साथ यू हैव टू लिव विद इट बट इफ यू मैनेज इट प्रॉपरली यू कैन हैव देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल यस राइट सो डॉक्टर एक्सरसाइज का क्या रोल है जैसा कि आपने कहा कि वंस दीज डिजीज आर ऑप्टिमाइज्ड देन वी कैन लुक फॉर सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज तो उसके बारे में थोड़ा आप जैसे अगर अपन एस्थमा की बात करते हैं तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज is very useful for asthmatic patient जिसमें आप any form of exercise walking, swimming, jogging, even yoga, pranayam, whatever you can do. Exercise is very useful for any patient, cardiac patient, diabetic patient, any patient. Right. So इससे फायदा पहुंचेगा बिल्कुल, definitely. बिल्कुल. और diet किस तरह की diet रखना चाहिए ऐसे patients को जो already इस तरह की actually हम recommend करते हैं healthy diet, balanced diet. Okay. आजकल जो fast food का जमाना चला है लोग हेल्दी डाइट को कम प्रेफर करते हैं हेल्दी डाइट मीन्स बैलेंस डाइट उसमें दूध भी हो उसमें प्रोटीन भी हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो उसमें विटामिन भी हो जैसे हरी सब्जियां हैं पत्तेदार सब्जियां हैं सलाद है फ्रूट है सब्जी है दाल सारी चीजें बैलेंस लें जी बैलेंस फूड बैलेंस डाइट एक्सरसाइज योगा एंड रेगुलर मेडिकेशन एंड रेगुलर ऑप्टिमाइज योर डिजीज वी कैन लिव अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ That's really sounds good. So awareness होना बहुत जरूरी है आज के इस शो के जरिए हम दर्शकों तक यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आप अवेयर हैं अगर आपको पता है कि इस डिजीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं तो आपको उस डिजीज के साथ भी अच्छे से जीना आपको आ जाएगा जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था प्रियंका चोपड़ा वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा लुक एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर लिविंग राइट अपने आप पेशेंट लोग जनरली अस्थमा को सिम्टोमेटिक ट्रीट लेते हैं थोड़ा सा आराम मिलता है फिर छोड़ देते हैं आप उसको लेके और रेगुलर समटाइम्स हमने देखा पेरेंट्स आते हैं कि सर हमने डायरी में लिख दिया बच्चे को गेम्स में मत रखना क्योंकि ये अस्थमा है इसको यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग सो दैट इज अ मिथ आप उसके बच्चे को ट्रीट करिए एंड देन सेंड हिम इन द स्पोर्ट्स ही और सी कैन डू एवरीथिंग करेक्ट सो ये जो भ्रांतियां हैं हाँ. और किस तरह की भ्रांतियां हैं डॉक्टर थोड़ा इसके बारे बिल्कुल, में बिल्कुल इनहेलेशन थेरेपी की बहुत भ्रांतियां डेली हमको एवरी थर्ड पेशेंट पूछता है कि सर ये इनहेलेशन थेरेपी क्या इससे आदत पड़ जाएगी क्या ये सबसे हैवी मेडिकेशन है क्या ये सबसे लास्ट मेडिकेशन है मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इनहेलेशन मेडिकेशन इज अ सेफेस्ट मेडिकेशन इट इज सबसे कम डोज की मेडिसिन होती है जैसे अपन टेबलेट जो 1 मिलीग्राम की आती है और इनहेलेशन थेरेपी जैसे कि किसी का इनहेलेशन या किसी का रोटाकैप्स आप देखेंगे उसके ऊपर माइक्रोग्राम में होता है मतलब एक जो टेबलेट होती है उससे महीने भर की डोज बन जाती है बिकॉज ये टारगेट थेरेपी लंग्स पे ही जाके असर करती है दिस इज टाइम ऑफ टारगेट थेरेपी आपने अफगानिस्तान में वार में देखा होगा पहले जो वार पे जो एटम बम गिराते थे पूरे सिटी को नष्ट कर देते बाद में उन्होंने क्लस्टर बम को यूज किया वहीं गए और उन पहाड़ियों के अंदर जहां गुफाएं हैं जहां मिलिटेंट है वहीं जाके ब्लास्ट हुए लुक एट द टारगेट थेरेपी तो साइंस इतनी एडवांस स्टेज में है कि अपने को टारगेट थेरेपी में लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो इनहेलेशन के कारण मेडिसिन वहीं जानी चाहिए जहां आपकी डिजीज है जी बॉडी के दूसरे पार्ट में क्यों जाए जी जैसे पहले अस्थमा की मेडिकेशन जो टेबलेट स्टीरॉयड लेते थे उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता था डायबिटीज हो जाता था कैटरेक्ट हो जाता था देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स जब से ये इनहेलेशन थेरेपी आई है आई हैव नो साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट सेफ इन द प्रेगनेंसी Oh, really, really, right? Really. Oh, that's really good to know, doctor, that inhalation jo therapies ab aa rahi hain, especially jo target kar rahe hain respiratory diseases ko, wo zyada better option hai for any oral medication. Even patient of diabetes is craving for inhalation of insulin because they are suffering from injectable things. Wo bhi cha rahe hain ki hamare inhalation therapy aa jaye to bahut acha hai. The science is going in progress. Aur vidambana ye hai ki asthma wale inhalation le nahi rahe. डायबिटीज वाले वेट कर रहे हैं कि हमारे इनहेलेशन आ जाए तो बहुत अच्छा है गाड़ी में बैठे इनहेलेशन लिया राइट सो इनहेलेशन के प्रति जो भ्रांति है वो आज मुझे लगता है कि बहुत हद तक दर्शकों को ये मैसेज पहुंचा होगा कि इट इज द सेफेस्ट मोड बिल्कुल
and the quickest mode. Quickest and safest. Quickest and safest mode to actually take a medication and which gives a relief also which is quickly. बिल्कुल मैं general public को कहना चाहता हूँ कि कभी भी अस्थमा के attack में आप देखे होंगे hospitalized patient को सबसे पहले हम लोग nebulize करते हैं. Nebulization is this. What is this? This is inhalation therapy. जी. है ना? Absolutely. तो inhalation the safest, quickest, fastest method. Right. और relief भी जल्दी होता है. बहुत relief जल्दी होता है. बिकॉज ये लंग्स में जाके हाथ इमिडिएटली आपकी लंग्स की जो ट्यूब्स है उनको ओपन करता है. तो सर ये जो इनहेलेशन टेक्निक है ये हर तरह के रेस्पिरेशन बीमारी में मतलब कारगर साबित हुई है? नहीं, अस्थमा एंड सीओपीडी जो एयरवेज को इन्वॉल्व करती है, सांस की ट्यूब्स को जो इन्फ्लामेशन करती है, सांस की ट्यूब को नैरो करती है, उसी को ये सांस नली खोलती है. मतलब ये जो इनहेलेशन. व्हाट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर टेबलेट होती है, मेडिसिन होती है जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को किल करती है. तो वी हैव टू टेक फ्रॉम ओरल. That for that it is only oral. Okay. So inhalation therapy is only effective for asthma. Asthma what? And COPD. COPD. What about the bronchial diseases? Bronchial asthma is it same airways? It's the airways same known airways. As bronchi, trachea, and these things. Right, doctor. So before we go to the end of the show, मैं डॉक्टर साहब से एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्विकली हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से what are the steps to be followed if you feel that you have asthma or tuberculosis. मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ. मैंने अभी जैसे बोला है कि अस्थमा हो चाहे सीओपीडी हो या कोई और डिजीज हो चाहे हाइपरटेंशन हो डायबिटीज हो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट. दिस इज द लाइन फ्रॉम WHO और एनी साइंटिफिक बुक सेज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो जल्दी से उसका डायग्नोसिस, जल्दी से उसका ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट एंड देन यू लिव विद अ लाइफ. और मैं दर्शकों को एक बार ये भी बताना चाहूंगी कि कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच गिव्स ट्रीटमेंट. जिस हॉस्पिटल में हर तरह की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सरे ब्लड टेस्ट व्हाटएवर एवरीथिंग इज फ्री. तो अगर आपको लगता है कि आपको इन जो भी हमने डिजीजेस की बात की है उसके लक्षण हैं तो आप बिल्कुल जाइए और अपना इलाज करवाइए और टेस्ट करवाइए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. राइट डॉक्टर? विद दैट आई विल कम टू द एंड ऑफ द शो एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस प्रोग्राम एंड क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर जो हमारे दर्शक हैं श्रोता हैं वो वेट करते हैं इस प्रोग्राम का. हर वीकेंड की हम बात करेंगे किसी ना किसी बीमारी के बारे में और आज हमने बात की रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में. सो अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के जरिए. तब तक के लिए अलविदा.